आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जानुमा डिवीजन में पैदल दौरा किया गया और इस दौरे के अंदर इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब मुख्तदर बाबा साहब मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन सदर वर्कर्स और तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मौजूद थे। आज का जो दौरा किया गया ये अमजदुल्ला बाग शुजात होटल और अलीबाग में किया गया और तकरीबन ऑफिसर्स को लेकर किया गया। इस अमजदुल्ला बाग में बॉक्स ड्रेन का काम हो रहा है, PDCC रोड का काम हो रहा है, CC रोड का काम हो रहा है, पानी की पाइपलाइन का काम हो रहा है, पिछड़ी सारे कामों का जायजा लिया गया। और काम चल रहे हैं और भी काम प्रपोज कर रहे हैं। इस एरिए के अंदर PDCC रोड भी है, इंशाल्लाह ताला 2 से 4 दिन के अंदर इस PDCC रोड का भी काम चालू हो जाएगा। तमाम चीज़ों से कहना चाह रहा हूँ मैं, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के वर्कर्स हमेशा महलों में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, आवाम के दरमियान में रहते हैं और उनकी ही मेहनत का नतीजा है, उनकी कारकर्दगी बोल सकते हैं आप और उनकी नज़र बोल सकते हैं आप। जैसा माइनर प्रॉब्लम आ रहते थे, पोल्स का प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिकल के लोहे के प्रॉब्लम जो पोला थे उसको सीमेंट के पोल्स कराया गया है, जो एरियों में पतले गलियों में वायरा थे जो मकानात को लग रहे थे उसको बंच केबल डाला गया, जो महलों में लाइट नहीं थी गलियों के अंदर वहाँ पर स्ट्रीट लाइट डाले गए हैं, जो एरियों के अंदर सीवर का प्रॉब्लम रहता था उस प्रॉब्लमों को सॉल्व कराया गया। ये सारा काम जो होता है छोटे बुनियाद के ऊपर ये मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का वर्कर करता है। और मुझे आपसे कहते हुए ये खुशी हो रही है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का वर्कर बरस के 12 महीने और दिन के 24 घंटे हमेशा आवाम के वास्ते, आवाम के लिए और जमात के वास्ते 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहकर काम कर रहा है। इंशाल्लाह ताला और भी प्रोग्राम होगा, मैं आपके दरमियान में फिर आकर तफसीलात रखूँगा। शुक्रिया तमाम।